साइड में कोई ना हां जरा सर वायदे कर गौर से बाइक वहीं जा पिक देने की कोशिश करेंगे शुक्रिया तन सब पकियो पाकन पाकरी पेरियो ए पाकन पाकन नीर पाकन रिपोर्ट रिपोर्ट पहले पहले ये पाकन दिया फोटो एक जगह क्या वाला यू आर सर फोटो तुमने को टाइम लगे सर ये तो चले उठाइए बस गुड बुत था हाथ पाऊंगे पाकन पाकरी पेरियो पाकन पाकन रिपोर्ट रिपोर्ट पहले पहले ये पाकन दिया फोटो एक जगह क्या वाला यू आर सर सर फोटो तुमने को टाइम लगे सर ये तो चले उठाइए बस गुड बुत था पाऊंगे वेरी गुड। हाँ देखिए आज जैसा जावेद काउंसिल के चेयरमैन चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात थे जी, वो पीसफुली बड़े कॉर्डियल माहौल से कंक्लूड हुए हैं जी। हमारे चेयरपर्सन के लिए मोहम्मद यूसुफ गोरसी साहब जो कि हमारे पहलगाम से डीडीसी मेंबर हैं वो चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, और वाइस चेयरपर्सन हमारे जावेद शेख साहब जो कि अनंतनाग से डीडीसी मेंबर हैं वो एज वाइस चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं। क्या खुशगवार माहौल में ये सब कुछ हुआ सर? देखिए जी बिल्कुल कॉर्डियल पीसफुल माहौल में इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक और फुल वीडियोग्राफी के साथ ही जो है पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस कंक्लूड। शुक्रिया, थैंक यू। सबसे पहले तो शुक्र है अल्लाह का जिसने इस इलेक्शन में हमें कामयाबी दी। हमारे कायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने तामीर तरक्की के लिए जो नक्शा रखा है मैंने उसके साथ काम किया है, उस अंदाज से आगे चलने की कोशिश करेंगे। हम महतरमा महबूबा जी, डॉक्टर फारूक साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को इकट्ठे तमाम मेम्बरान जो हम इकट्ठे हुए। इलेक्शन तो हुआ, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुआ, वाइस चेयरमैन के लिए इलेक्शन ही नहीं हुआ क्योंकि हमारे गेरा जो मेंबर थे उन्होंने चेयरमैन को चुना और वाइस चेयरमैन के लिए कोई फार्म ही नहीं आया जी। हम गुजारिश करते हैं अपने मेंबर हजरात से जी जी, जिस तरह हमने अंदर बात की भी, इकट्ठे आगे चलकर डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को हम तरक्की